जीवन में तीन चीजें इंसान को बहुत नसीब से मिलती है, है? जीवन में तीन अच्छी चीजें इंसान को नसीब से मिलती है। एक तो अच्छी पत्नी नसीब से मिलती है, ध्यान रखना हो, पत्नी तो सबको मिलती है, पर एक अच्छी पत्नी जो उसके कहने में प्रेम मान सम्मान पूर्वक उसके गौरव का ध्यान रख सके, ऐसी पत्नी इंसान को नसीब से मिलती है। नंबर दो, एक अच्छी संतान तय है। संतान के जन्म लेने पर थाली तो हर कोई बजाता है, खास बात यह नहीं है कि आपको जवानी में संतान का सुख है कि नहीं। खास बात ये नहीं है कि आपको जवानी में संतान का सुख है या नहीं, खास बात यह है आपको बुढ़ापे में संतान से सुख है या नहीं। जवानी में संतान का सुख तो सबको मिल जाता है, पर बुढ़ापे में संतान से सुख ये कोई किस्मत वाले को मिलता है। तो तीन चीजें इंसान को अगर अच्छी मिल गई तो समझ लो उसकी नसीब अच्छी है। नंबर एक, एक अच्छी पत्नी, अगर अच्छी पत्नी मिल गई आप बड़े नसीब वाले हैं, और अगर अच्छी संतान जो बुढ़ापे में आपके सुख दुख की सहभागी बनकर आपके बुढ़ापे को प्रेम से निभा दे, हैं? आपके बुढ़ापे को प्रेम से निभा दे। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक महानुभाव आए और आकर कहने लगे, बाप जी, मैंने कहा बोलो। अरे, महिलाओं ने मुझे कहा, बाप जी, मैंने कहा बोलो बहनों, अगर महिलाओं को अपने माता पिता को संभालने का अधिकार मिल जाए तो पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। क्या कहा गया, क्या कहा मुझे? अगर महिलाओं को, नारियों को अपने माता पिता को संभालने का अधिकार मिल जाए कि वो अपने साथ अपने मम्मी पापा को ससुराल ले जाएगी, उन्हें संभालेगी, उनकी सेवा करेगी, उनको संभालेगी, तो पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। बात सही है, सही है, हैं? मुझे भी लगा बात बड़ी दमदार है, वास्तव में बिल्कुल सही है। अगर महिलाओं को, बेटियों को, नारियों को अपने माँ बाप को जिंदगी भर संभालने का अधिकार मिल जाए तो पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। मैंने उन बहनों को प्रेरित करते हुए कहा, मैंने कहा अच्छी बहनों, बात बिल्कुल दमदार है कि अगर नारियों को, लड़कियों को, महिलाओं को, युवतियों को अपने माता पिता को संभालने का अधिकार मिल जाए तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। पर वे ही लड़कियां अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले तो पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक अच्छी संतान इंसान को किस्मत से मिलती है, हाँ। एक अच्छी पत्नी इंसान को किस्मत से मिलती है, नसीब अच्छे होते हैं तो इंसान को एक ग्रह लक्ष्मी जैसी है, शुभ लक्षण वाली और शुभ लक्षणों वाली, घर में प्रेम और मिठास को घोलने वाली, घर को एक सूत्र में बांध कर रखने वाली पत्नी मिलती है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे नसीब होते हैं तब इंसान को एक अच्छा मित्र मिलता है। अरे मैं तो कहूंगा, शादी करो तो गुण मिलाना, है? शादी करो तो गुण मिलाना, पर मित्र बनाओ तो गुणों को देखना। शादी करते हैं ना तो कहते हैं कितने गुण मिलने चाहिए। आप में से कोई है क्या किसी ने शादी की हुई हो, है? कितने मिलाते हैं? 21। अच्छा, आपकी शादी में 21 गुण मिले थे, ठीक है। नहीं, और भी ज्यादा मिलती हैं, 21 पर्याप्त है? मुझे पता नहीं, किसी ने कहा भी 36 गुण मिल जाए तो समझ लो, है? मैं तो कहूंगा गुण नहीं मिले तो भी चलेगा, आजकल मिलती कहां है, जो मिल जाए वो लेके आ जाओ, मिलती कहां है, चक्कर काट काट के भैरू जी के चक्कर काटते रहो, बाप जी मारो ब्याह वतन याद हो जाऊं, बाप जी मारो ब्याह वतन याद हो जाऊं। चलो भाई 18 गुण मान ले, ये दादाजी ने 21 का 21 मान ले, मुझे पता नहीं किसी ने 24 और 26 और 28 और 36 गुण कहे होंगे। मेरे भाई, शादी के समय गुण मिलाए जाते हैं, पर मैं कहूंगा जब दोस्त बनाओ ना तो गुण मिलाए नहीं जाते, गुण देखे जाते हैं, सामने वाले में कितना गुण है, क्योंकि जैसा वो गुणवान होगा वैसा ही आपके जीवन को प्रभावित करेगा। जैन धर्म में कहते हैं पानी पियो छान के, धर्म हमें कहता है पानी पियो छान के, और मैं आपको कहूंगा दोस्त बनाओ जान के। पानी पियो, पानी पियो छान के, पर दोस्त बनाओ जान के। जैसे आप चाहते हैं पानी जाकर मेरे पेट में नुकसान न करे तो उसके लिए छान कर पीना उचित है, वैसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्त बनाओ जान के, देख लो भली भांति इसकी दोस्ती आपके जीवन को कैसा प्रभावित करेगी। अरे ये आपकी जिंदगी के पानी की बूंद किसी सांप के मुंह में जा रही है या सीप के मुंह में जा रही है, बस इतना सा जरूर देख लेना, जिसका साहचर्य आपको मिला है यही पानी की बूंद कभी जहर बन जाती है और यही पानी की बूंद कभी 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 कभी, कभी, कभी
मोती बन जाती है। पानी की बूंद पानी की बूंद है, ना तो वो जहर है ना वो मोती है। जैसा उसे पात्र मिलता है वो अपना वैसा स्वरूप बना लेती है। कभी कभी वो जहर बन जाती है और कभी कभी वो मोती बन जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे निकले तो इसके लिए इतना ही ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें अच्छी कॉलेज और स्कूल में पढ़ाएं, इसके लिए इतना ही ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें अच्छा खान पान दें, इतना ही ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें अच्छा पहनावा दें। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वो जिन दोस्तों के साथ रह रहा है, आप उनके दोस्तों पर जरूर नजर रखें। अरे मैं तो कहूंगा आप अपनी लड़की के लिए अगर लड़का देखने जा रहे हैं ना, आप अपनी लड़की के लिए अगर लड़का मतलब अपनी लड़की के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं तो यह मत देखना कि वो कितने अमीर हैं। अरे योग्य होगा तो लड़का खुद ही अमीर बन जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। यह भी मत देखना उनकी कोठी कैसी है, यह भी मत देखना कि उनके महल मेहराव और उनका नाम समाज में कितना है। अगर देख सको तो दो चीज देखना। पहली चीज देखना उस घर के संस्कार क्या है। घर के बाहर भले ना हो कार पर घर के अंदर अगर है संस्कार तो आंख बंद करके अपनी बेटी दे देना, क्योंकि कार तो फिर भी आ जाएगी पर संस्कार नहीं है तो बेटी जीवन भर दुखी रह जाएगी। अगर आप अपनी बेटी किसी के घर पर देना चाहते हैं तो ये मत देखो वो कितने पैसे वाले हैं कि समाज में उनका कितना नाम चलता है कि हमारी बेटी वहां पर कारों में घूमेगी। उससे पहले ये जरूर देख लो। पड़ोसियों को जाके मत पूछो कि ये लड़का कैसा है। मुझे अगर पूछो केवल एक काम कर लेना, आपको लड़के का सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा और इतना सा पता कर लेना उस लड़के के दोस्त कैसे हैं। बस आप अपनी लड़की के लिए जो वर ढूंढने जा रहे हैं, जो लड़का ढूंढने जा रहे हैं, केवल इतना सा पता कर लेना कि इनका दोस्त कैसा है। क्योंकि आदमी का जैसा होता है दोस्त, आदमी का जैसा होता है मित्र, आदमी की जिंदगी वैसी प्रभावित होती रहती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, तभी तो पिता ने अपने पुत्र को प्रेरित करते हुए कहा बेटा मित्र एक चुने पर जब भी चुने तो, बोल लो सब, मित्र एक चुने। आज जाकर आप अपने घर में अपने बच्चों को भी ये सीख दे देना, अपनी बेटियों को भी सीख दे देना। अरे मैं तो कहता हूं अगर आपको व्हाट्सएप से मैसेज भेजना आता है तो मैसेज हर आदमी को भेज देना, मित्र चुने एक पर वो हो नेक। मित्र चुने एक पर जब भी चुने तो नेक को चुने, एक अच्छे मित्र को चुने कि जो हमारे जीवन को प्रेम मिठास से भर दे। सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। सज्जन, सज्जन का मतलब मित्र। सज्जन ऐसा कीजिए कि ढाल सरीखा होए, दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे हो। सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। पुराने जमाने में लोग जब युद्ध की भूमि में जाते थे तो आपको पता है उनके साथ केवल तलवार ही नहीं होती, पीठ के पीछे क्या बांध कर ले जाते थे है? उसका नाम क्या होता था? बड़े बुजुर्गों को पता होगा, उसे ढाल कहा जाता था। और ढाल का काम क्या होता था? ढाल का काम होता था बचाव करना। ढाल का काम होता था विपत्ति के माहौल में आदमी को बचा कर रखना। और खास बात देखो, जब आदमी घर से निकलता था तो ढाल उसके पीछे होती थी, पर जब युद्ध के मैदान में जाता तो ढाल उसके आगे होती थी। मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए, अरे सुख में तो पीछे रहे पर दुख में आगे होए। कि जब तुम्हारे साथ सुख की वेला है तब तो वो पीठ पर बंधी हुई है। अरे मित्र तो ऐसा करो कि जैसे मोमबत्ती और धागा की दोस्ती होती है, मोमबत्ती और धागा गजब होता है। धागा जलता है तो मोम क्या होता है? पिघलता है। धागा जलता है तो मोम पिघलता है, और जलते हुए धागे को भी मोम अपना साहचर्य देकर अंतिम चरण तक उसका साथ देता है। अंतिम चरण तक, जब तक वो टिमटिमाकर पूरा न बुझ जाए तब तक अंतिम चरण तक अंतिम अपनी मोम अपनी अंतिम बूंद भी, पिघली हुई बूंद भी उस धागे को देता रहता है ताकि उसके जलने में वो उसका सहयोगी बन सके। मित्र जब भी बनाओ तो मोम और धागे की तरह बनाओ कि अगर धागे पर विपत्ति आई जलने की तो मोम ने एक एक पल उसका साथ दिया। मित्र बनाओ तो ऐसे बनाओ जैसे हाथ और आंख की दोस्ती होती है। गजब देखो, अगर हाथ की अभी पिन चुभेगी तो आंसू कहां आएंगे? अभी यहां हाथ में कट लग जाएगा, पिन चुभ जाएगी तो बच्चे के आंख में आंसू कहां आएंगे?
आंख में आएंगे। और खास बात देखो, चोट लगी हाथ में और आंसू आते हैं आंख में, और उन आंसुओं को पहुंचने के लिए फिर क्या करते हैं, वही वापस आते हैं। क्या गजब है, हाथ में चोट लगी तो आंख में आंसू आए, और आंख में आंसू आए तो उनको पहुंचने में भूमिका वापस हाथ ने अदा की। ये होता है साहचर्य। क्या है ये होता है साहचर्य, एक दूजे के साथ सुख दुख में घुलने मिलने वाला साहचर्य। सरोवर में पंछी की तरह दोस्त मत बनाइए, पंछी आता है सरोवर में पानी पीता है और वापस आसमान में उड़ जाता है, अपना काम निकाला और उड़ गए, ऐसे सरोवर और पंछी की तरह दोस्ती मत बनाइए। दोस्त जब भी बनाओ तो मोम और धागे की तरह बनाइए। भगवान श्री महावीर ने एक बहुत प्यारा शब्द कहा, अपन रोज बोलते हैं, कई लोग तो अपन साल में एक बार बोलते हैं जब संवत्सर का दिन आता है, खामे मी सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु में। इसके आगे कौन बोलेगा, बोलो 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 बोलो, कौन बोलेगा, मिट्टी में सव भूयस। ये मैत्री भावना का जो विस्तार है, सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम, किनके साथ अपनी मैत्री की स्थापना करो, तो भगवान कहते हैं सत्वेषु मैत्री, जो लोग सत्व प्रकृति के हैं, अच्छी प्रकृति के हैं, जिनका नेचर अच्छा है, जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनकी प्रकृति अच्छी है, जिनकी प्रवृत्ति अच्छी। भगवान कहते हैं तुम्हारा कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, पर जिसकी प्रवृत्ति खराब है तो तय मानकर चलना, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। अरे गलत रास्ते पर चलने वाला आदमी जीवन में मिल गया तो गलत रास्ते पर ले जाएगा, पर अगर सही रास्ते पर चलने वाला इंसान किसी चंड कौशिक को मिलते हैं महावीर, तो चंड कौशिक की आत्मा बदल जाती है। किसी अंगुली माल को मिलते हैं भगवान बुद्ध तो उसकी आत्मा तिर जाती है। किसी अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भगवान महावीर का साहचर्य मिलता है तो उसकी आत्मा रूपांतरित हो जाती है। अरे और तो और, कई बड़े बड़े राक्षस भी सत्व पुरुषों की मैत्री भावना से जुड़ने के बाद अपने जीवन की बुराई का त्याग कर देते हैं। आपको पता है हमने अपने जीवन में अब तक ना करते लाखों लोगों को व्यसनों का त्याग करा है, लाखों लोगों, हर शहर में जहां हमारे मैदानों में प्रवचन होते हैं लाखों लाख लोग अपनी जिंदगी में बुरी आदतों का त्याग करते हैं, अपने जीवन में व्यसनों का त्याग करते हैं। किसी गलत सौबस से उसके जीवन में गुटके की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई, सिगरेट की आदत पड़ गई, लोग उन पवित्र बातों को सुन सुनकर जीवन को बदल लेते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, आकर कहते हैं बाबू जी हमने अपने प्रवचनों में, कई बार आप चैनलों में देखते होंगे प्रवचन, लोग खड़े होकर के आते हैं अपने व्यसनों, यहां भी जब व्यसन पर प्रवचन होगा आप देखना कितने लोग अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करेंगे। पर लोग आते हैं अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करते हैं, पत्नी कहती है साहब मुझे 30 साल हो गया, मुझे 30 साल हो गए अपने पति को समझाते हुए, अरे मैंने 8 दिन का उपवास कर लिया कि आप गुटखा नहीं छोड़ोगे, तो मैं वो महानुभाव अभी यहां आए हैं क्या जिन्होंने अभी गुटखा छोड़ा था हमारे प्रवेश से पहले, आज आपके भाई नहीं आए ना, हाँ तो उनके इनके भाई जो सामने बैठे हैं, तो इनके भाई भाई ने गुटखा खाने की आदत थी, सारे भाइयों ने कहा साहब हम सर पटक कर रह गए, उनकी पत्नी ने कहा मैंने कितने उपवास कर लिए इनको गुटखा छोड़ाने के लिए, पर ये अंततः कहती है तू मुझे माफ कर, अरे वक्त पड़ गया मैं तेरे को छोड़ सकता हूं पर अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे भाई जरा सोचो, महापुरुषों की संगत सीप की तरह होती है जो एक पानी की बूंद को मोती बना दिया करती है, महापुरुषों का साहचर्य किसी सीप की तरह होता है जो इंसान को मोती बना देता है, शुद्ध सोना बना देता है, उसकी जीवन को उजला कर देता है। 30 साल तक पत्नी समझा कर हार गई। अभी हम पूरा में थे, उस आदमी के दांत को इतने काले हो गए थे कि कोयला भी उसके सामने कम काला होता है, उसके होंठ काले हो गए गुटखा खाते खाते, पूरा परिवार हार गया समझा बुझा के, डॉक्टरों ने खूब समझा दिया। पर एक दिन ऐसे ही प्रवचन को सुनते सुनते, सत्संग को सुनते सुनते, जब व्यसन मुक्ति पर बात चल रही थी उसे सुनते सुनते उस आदमी की ऐसी आत्मा बदल गई। हमने जब प्रवचन में कहा था, हमने कहा अगर गुटखा खाने वालों को अगर ताजमहल दे दिया जाए, गुटखा खाने वाले को अगर केवल 3 दिन के लिए ताजमहल दे दिया जाए तो उसको भी लाल किला बना देंगे, केवल 3 दिन में उसको लाल किला बनाकर खत्म कर देंगे। हमने जब प्रेरणा दी उस आदमी की आत्मा जगी, मंच पर आया, गुटखा छोड़कर निकल गया।
मेरे भाई, महापुरुषों का साहचर्य इसलिए ज्यादा से ज्यादा लो, उनका सत्संग इसलिए ज्यादा से ज्यादा लो, क्योंकि उनकी संगत में आकर पता नहीं कितने डाकुओं ने अपना जीवन बदला है, महापुरुषों से मित्रता स्थापित करके कितने चोरों ने अपने जीवन का गलत कार्य छोड़ा है। अरे मेरे भाई, प्रभाव जैसा डाकू जो अपने 500 डाकुओं के साथ, जो महान स्वामी जम्बू स्वामी जैन धर्म के महान आचार्य हुए, जब उनकी शादी हुई 8-8 कन्याओं के साथ, शास्त्र कहते हैं 8-8 कन्याओं के साथ उनकी शादी हुई, और शादी की रात सुहाग रात के दिन वो अपनी पत्नियों को जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं, वैराग्य की प्रेरणा दे रहे हैं, मुक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं, और संयोग की बात एक प्रभाव नाम का डाकू अपने 500 लुटेरों के साथ, 500 डाकुओं के साथ जम्बू के घर पर डाका डालने के लिए कि इसके 8-8 बड़े अमीर घरों में शादियां हुई है तो इसके घर पर कितना माल ताल आया होगा, आज हम इसके घर पर लूटपाट करेंगे, डाका डालेंगे। वो वहां पर आता है डाकू प्रभव अपने 500 डाकुओं के साथ, लेकिन ये सोचकर कि घर के लोग सोएं तो हम डाका डालें, घर के लोग सोएं तो हम चोरी करें, घर के लोग सोएं तो हम चोरी करें। पर जम्बू की तो सुहाग रात थी मेरे भाई। कभी कभी जिंदगी में महापुरुषों का ऐसा साहचर्य आ जाता है कि इंसान की सुहाग रात नहीं रहती, वो वैराग्य और मुक्ति की रात बन जाया करती है, वो साधना और सिद्धि की रात बन जाया करती है, वो आराधना और जीवन के रूपांतरण की रात बन जाया करती है। और जम्बू अपनी धर्म पत्नियां 8-8 पत्नियों के बीच बैठे हैं, संसार की नश्वरता की बात बता रहे हैं, मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, और उनकी बातों को सुन सुनकर बाहर कौन बैठे, 500 चोर, 500 डाकू, प्रभाव के नेतृत्व में आए हुए 500 डाकू जम्बू की बातों को बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं, बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं, और जम्बू की इस बात को भी सुन रहे हैं कि कल सुबह मैं सारे वैभव का परित्याग करके मुक्ति के मार्ग पर निकल जाऊंगा। प्रभाव सोचता है, ओ क्या गजब है, जिसे माल मिला है वो तो छोड़कर भगवान के रास्ते जा रहा है, एक मैं हूं पापी, किसी को लूटने के लिए आया हूं। रात भर वैराग्य भरी बातें सुनते 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 रात पीछे होती है, रात पीछे बीतती है, सुबह बाद में होती है, प्रभाव के अंतर्मन में प्रभात पहले हो जाती है। वो आता है जम्बू के सामने, हाथ जोड़कर करबद्ध होता है अपने 500 चोर और डाकुओं के साथ, और प्रणाम करके कहता है, हे आर्य जम्बू, अगर आप भगवान के मुक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं तो हम ये चोर 500 डाकू आज आपके साथ हम भी संयम जीवन को स्वीकार करते हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटित होती है कि 500 डाकू एक साथ एक मुहूर्त में दीक्षा स्वीकार करके मुक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं, एक जम्बू के साहचर्य के कारण। महापुरुषों का जब सोहबत मिलती है इंसान को, महापुरुषों की जब मोहब्बत मिलती है इंसान को, महापुरुषों का जब साहचर्य मिलता है इंसान को, तो जीवन अपने आप, अगर गलत दोस्त आदमी के जीवन को बिगाड़ सकता है तो एक अच्छा दोस्त आदमी के जीवन को सुधार भी सकता है। हम लोग एक शहर में थे, वहां पर सिंधियों की बहुत बड़ी जमात थी, बहुत बड़े घर थे, बहुत सारे घर थे, तो हमारे प्रवचन में सैकड़ों सिंधी आने लगे, मतलब इतने ज्यादा सिंधी लोग हो गए थे कि पूरे पंडाल में सिंधी सिंधी, आजू बाजू में सिंधियों के खूब घर थे, खूब लोग आने लग गए। एक बार ऐसा हुआ कि एक सिंधी व्यक्ति जिसके खाने पीने की आदत थी, प्रवचनों को सुनते सुनते उसने परित्याग कर दिया। भाई मुक्ति तो जीवन में कब किसके जीवन में घटित होगी, गलत आदत तो जैन के जीवन में भी हो सकती है, सिंधी के जीवन में भी हो सकती है, अग्रवाल ओसवाल के जीवन में भी हो सकती है, माहेश्वरी के जीवन में भी हो सकती है, अरे हर धर्म हर जाति हर कौम में गलत आदत पड़ सकती है, पर एक महापुरुष मिल जाए तो आदमी का जीवन बदल जाता है। उसने जीवन बदल लिया, उसने सब बुराइयों का त्याग कर दिया, यहां तक भी हम प्रवचन देकर जाते हमारे साथ साथ हमारे धर्म स्थान तक जाने लगा, बड़ा अमीर परिवार था, गांव के लोगों को लगा यार ये तो जैन बन रहा है, कुछ गांव के लोग उनके घर पर गए और जाकर कहा तुम्हारा बेटा दिन भर जैन महाराज के पीछे घूम रहा है, अरे वो तो पागल हो गया, वो गोचरी जाते हैं तो उनके साथ घरों में जा रहा है, वो है दिन भर उनके उपाश्रय स्थानक में बैठा रहता है, लगता है तुम्हारा बेटा धीरे धीरे जैन हो जाएगा। उसके मम्मी पापा ने उन आने वाले जो उसके दोस्त थे उनसे कहा रे जाओ रे, तुम कहते हो जैन बन जाएगा, अगर वो जैन मुनि बन जाए तब भी हमें कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर उसने गलत आदत सीखी और उनके साथ रहकर उसने गलत आदतों का त्याग कर दिया। यह है महापुरुषों के साहचर्य का परिणाम। तो मैं आपसे अंतर्भावना पूर्वक आपको प्रेरणा देना चाहूंगा, अगर हमारे भगवत पुरुष कहते हैं सत्वेषु मैत्री, किससे हो मैत्री, सत्वेषु,
एक शब्द में पूरे जीवन का सार कह दिया कि इंसान अपने जीवन में मित्रता के हाथ किस तरफ बढ़ाए, तो एक शब्द में कह दिया सत्वेषु मैत्री, ऐसे लोगों से प्रेम करो, ऐसे लोगों से मैत्री करो, ऐसे लोगों से मिठास घोलो जो सत्व प्रकृति के हो, जिनकी निर्मल प्रकृति हो, जिनकी निर्मल प्रवृत्ति हो, जिनका आचरण श्रेष्ठ हो, जिनका व्यवहार शुद्ध हो, जिनके वचन निर्मल हो, जिनके विचार पवित्र हो। किससे करो दोस्ती? ट्रेन में सफर कर रहे थे, आपने उसको अपना कार्ड दिया, उसने आपको अपना कार्ड दिया, आपने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया, उसने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया, और बातों में घुल मिल गए और लगा मेरे दोस्त मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त हजारों हों, ये जरूरी नहीं है, पर एक अच्छा दोस्त जीवन में हो तो भी काफी है। इसलिए भगवान हमें पहली बात कहते हैं सत्वेषु मैत्री, सत्व पुरुषों से मैत्री करो। जब जब जो जिस जिस व्यक्ति के आप करीब जाएं, देख लें इसका आचरण कैसा है, कहीं इसके जीवन में कोई गलत प्रकृति तो नहीं है, कहीं ये आपके सामने अपने आप को होशियार साबित करते हुए किसी से झूठ तो नहीं बोल रहा है। अगर वो किसी और से झूठ बोल रहा है तो सावधान रहो, जो उससे झूठ बोल रहा है वो एक दिन आपके साथ भी झूठ बोल सकता है। आपको लगता है ना कि आपके पति ने आपके लिए अपने मम्मी से झूठ बोला, सावधान रहना, अगर वो आपके लिए अपनी मम्मी से झूठ बोल रहा है तो किसी और के लिए आपसे भी झूठ बोल सकता है। ये बात नहीं है कि वो झूठ किससे बोल रहा है, अगर झूठ बोलने की आदत है तो वो आपके साथ भी लागू होगी। सत्वेषु मैत्री, ऐसे व्यक्ति के साथ मैत्री करो जिनमें सत्व प्रकृति हो, ऐसे लोगों से मैत्री मत कीजिए जिनमें कोई गलत आदत हो, सावधान। ऐसे व्यक्ति से भूल चूक कर मैत्री मत कीजिए, ऐसे व्यक्ति के लिए हाथ मत बढ़ाए, भले वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, भले वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, भले उसका कितना भी नाम क्यों ना चलता हो, पर वो आपके नाम को डुबो देगा, एक दिन आप डूब जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं सत्वेषु मैत्री, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत कीजिए जिनमें गलत प्रकार, हाँ, जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं ऐसे लोगों से भी दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि जो अपने मम्मी पापा का सम्मान नहीं करते हैं तो वे यदा कदा अपने मम्मी पापा के लिए टिप्पणी करेंगे, और जैसा वो अपनी माँ के लिए बोल रहा है एक दिन आप भी वैसे ही बोलना सीख जाएंगे और आपके घर का स्तर गिर जाएगा। जो लोग अपने माँ बाप के साथ प्रेम से नहीं जीते, सम्मान से नहीं जीते, उनके आदर अदब का ध्यान नहीं रखते, उनके बोल बर्ताव की इज्जत नहीं करते, उनके लिए व्यवहार में इज्जत की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोगों से जो अपनी माँ से लड़ रहा है, आप ये मत सोचना वो आपका साथ निभाएगा। अरे जो अपने माँ का ना हुआ वो आपका क्या हो पाएगा है? जो अपने माँ बाप से भी लड़ रहा है और आप सोचें मेरा दोस्त, और आप उसको फिर सलाह दे रहे हैं, हाँ ठीक है यार तेरी मम्मी हर समय ऐसे करते तेरी पत्नी को, दोस्त के हाँ में कभी हाँ मत भरिए, जब भी हाँ भरते हैं तो हित में हाँ भरिए। क्या है क्या है, मैंने क्या कहा? दोस्त की हाँ में कभी भी हाँ मत भरिए, हाँ वहीं भरिए जहां पर हित हो रहा हो, हित में हाँ भरो कभी भी किस में, जब भी हाँ भरनी है, इंसान हित में हाँ भरे कभी भी, हाँ में हाँ ना भरे, हाँ में हाँ भरी आप भी डूबेंगे वो भी डूबेगा, पर आपने हितकारी बात में हाँ भरी आप भी अच्छे रास्ते चलेंगे और आपकी बातों के परिणाम स्वरूप वो भी अच्छे रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाएगा।